ठीक से चल नहीं पा रहा अभी तक, ठीक है ना बच्चा है। ए सुमिता भाभी कैसे हो यार? हाय। पिछले के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक खाना वाना खा के मैं निकला सिर्फ पेन लेने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद तू एक भी पेन नहीं मिल रहा, तो मतलब और आज के दिन में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मम्मी लोग का गैंग यहाँ पे पिकनिक पार्टी बना रहे हैं। और आजकल ऐसा नहीं लग रहा कि न्यू ईयर है भाई, एकदम शांति। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए एपिसोड में प्लीज आप लोगों को स्वागत करते सभी लोग मेरे फोन कैमरा में देखते रहे बनते रहे और शतक भी ऑडियो ब्लॉग ऊपर चले, लेकिन एकदम नीचे के ऊपर तक देख लेना क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों को पता ना होने वाला है बवाल। और मैं तो बोल रहा हूँ फिर से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का तरक्की करो, मेहनत करो, जो करना है करो, बहुत शिद्दत से करना करो यार, जो भी करना है करो, बस और कुछ नहीं भाई। जो अगर नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, अगर सिर्फ मुंह से बोलेगा तो कुछ नहीं होता ना। तो जो करना है शिद्दत से करो, जो करना है मदद से करो, जो करना है इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। पर फिलहाल के लिए मैं अभी जाऊंगा एक दीदी के घर में सामान देने के लिए, तो फिलहाल के लिए मैं जाऊंगा उसके घर पे, एंड देन में आने के बाद मैं खाना वाना खाऊंगा, एंड देन मैं जाऊंगा एक दोस्त के घर में क्योंकि मैं एक मूवी डाउनलोड करना है भाई, मूवी डाउनलोड करना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड यह देखते हैं उसके बाद। तेरा बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, चाहे भैंस का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा हो भाई, इतना प्यारी है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक से चल नहीं पा रहा अभी तक, ठीक है ना बच्चा है। ए सुमिता भाभी कैसे हो यार? अभी आपका बेटा का नाम क्या है? बेटा है बेटी है? देखो देखना पड़ेगा। अच्छा बेटा है, बेटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो यहाँ पे, कोई परेशान मत करो, सही मेरे को पहचानते हैं। ठीक है भाभी मैं जाता हूँ। तो मेरे एक दोस्त घर में क्योंकि जाना है कहीं और पे, ठीक है मैं भी फिलहाल यहाँ पे निकलू, मेरे बाइक मोटर, मेरा मोटर माँ को आस में लेके नहीं जाऊँगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे दोस्त के साथ पुनः उनका बाइक में जाऊँगा टाउन पे। सुपारी खा रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ लाइन गड्डी में, और नज़ारा देख रहा हूँ सूर्यमणि भी ऊपर में छा रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ठीक है कोई बात नहीं, पर इतना भी ख़राब नहीं है भाई लाइन गड्डी में, मज़ा तो है, कोई बात नहीं। आपको निकल पड़ा है टाउन की तरफ, कुछ सामान ले रहे हैं, सामान क्या है कि हम लोग पेन लेगा, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, और साथ ही साथ हुडीज भी लेगा, मुझे लग रहा है ऐसा जाके पता चला, हुडीज तो कंफर्म नहीं है पर ब्लैक पेन तो लेगा लेगा, ओ मजा आएगा रे। तो अभी मैं टाउन में जा रहा हूँ, कोई डिसाइड नहीं है, बस हम लोग घर से निकल पड़ा और मन मेरा मन मन कर रहा है कि ब्लैक पेन लूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते अभी पहुँचने वाले हैं रंगपुर। इसका बाल की मेरा, इसका बाल मेरा मेरा मुँह पे लग रहा है भाई, छी। और आजकल ऐसा नहीं लग रहा कि न्यू ईयर है भाई, एकदम शांति। जब 2019 का पहले, 2019 का पहले पूरा की पूरा एक तारीख से 10 तारीख तक यार जिंदा भी है, छोड़ देख रहे ना, मुँह खाना वाना बता के चार है कहाँ का, 18 का क्या, 18 का न्यू ईयर पे है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पिकनिक है, पिकनिक चल रहा है। पर आजकल 2023 का वाला ना, 2024 वाला नहीं लग रहा कि पिकनिक चल रहा है भाई, एक भी गाना सुन नहीं पा रहे, ऊपर से दिख भी नहीं पा रहे कि पिकनिक चल रही है यार। मैं इतना दिनों से हमें यहाँ पे रह रहे ना, मतलब नहीं लग रहे, पूरा नहीं लग रही यार। और यहाँ पे सर्दी के कारण सबके सब पानी सूख गया, रे बाबा ऐसा सूखो यार, हम लोग भी मोटा मोटा होके पूरा की पूरा जिंदगी खराब कर दी है, मुझे भी सूखना है यार। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच गए टाउन में प्रॉपर। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए टाउन पे, और एक पीछे से बोल रहे ढूर बोल, अभी हम लोग गाड़ी वाड़ी घुसा देगा एंड देन हम लोग स्टार्ट करेगा एक्सप्लोरिंग फ्यूचर में। चलो ओ बाप रे बाप, फ्लावर वावर बेस्ट है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होते रहते हैं। और यहाँ पे कितना सारा मॉल है देखो भाई, पर एक भी अच्छा कपड़ा वपड़ा नहीं मिलता। और अपन को लेने आया था पेंट, और यहाँ पे आने का बड़ी पसंद आ गया यार, पर एक्चुअली क्या सुनिए कि ये जो बी नेक स्वेटर वाला है ना, वो स्मॉल साइज नहीं मिल रहा, ये वाला एल है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। पर ये इतना दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ ये वाला, पर यहाँ पे आने का मिला, पर साइज ठीक से नहीं हुआ, देख रहा हो ना, पर देखने बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्या कर सकते। तो गाइस क्या सीने के, दो मोड़ हम लोग ढूंढ चुका है, ठीक है, एक भी ढंग से कपड़ा नहीं मिल रहा, इतना खराब कपड़ा यहाँ पे दिखा रहे ना, ऊपर से प्राइस तो क्या ही बोल सकते, इतना हाई वाला और क्वालिटी इतना घटिया, और ऊपर से इतना खराब भी नहीं लग रहा, पूरा की पूरा पाँच से पीस मैंने कलेक्शन कर दिया, क्योंकि ये वाला सबसे देखने में थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है नीचे वाला,
तो अभी जाए ट्रायल रूम में जाके देखते हैं अच्छा है कि नहीं, अगर अच्छा हो तो लेके जाऊंगा, नहीं हो तो यहाँ पे फेंक के चला जाऊंगा फिर से। कितना बार ढूंढ रहे बताए हम लोग, नहीं मिल रहे भाई यहाँ पे, इतना ढंग से कपड़े नहीं मिलते हैं, इतना सारा कपड़ा देखो फिर भी एक ढंग से नहीं मिलते भाई, छी शर्म की बात है। मैंने पूरा के पूरा चार पीस पहन लिया, कैमरे सोचा कि ये वाला बड़ा होगा पर ये देखो पूरा के पूरा सूखा है मुंडिक मुंड करे। तो भैया जी हम लोगों ने पेन लेने आया था और जा रहे लेके मम्मी का चप्पल, दिखा दो, ये देखो देख रहे हो ना कोलैबोरेशन देख रहे हो ना मम्मी और मैं का, ओह माय गॉड। और देखते देखते शाम भी होने वाला है गाइस, ऊपर से इतना सारा गड्डी लोग जा रहे पेपा पेपा करके, चलो होते रहते अभी मैं जाऊंगा एम्पीरियल मॉल में एंड देन देखते होता है कि नहीं मैंने पेन वाला, अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला, जाके देखते अभी चलो। तो फाइनली अभी हम लोग आ गया है एम्पीरियल मॉल में और देखते जाके क्या सीन है। और ये तो पूरा की पूरा नजारा ही अलग है भे, काफी दिनों के बाद आ रहे। तो गाइस जो चीज लेने के लिए आ रहा था वो तो बिना लेके जा रहे हैं और जो लेने के लिए नहीं आया था वो लेके जा रहे। देखो ये होता है बिजनेस, बिजनेस इज नॉट बिजनेस इज अ बिजनेस, समझ रहे मेरी बात को भाई। ऐसा होता रहता है कि जो जिस दिन में कन्फर्म होता है ना जो लेगा मतलब लूंगा, जिस दिन नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तभी मेरा साइज का नहीं मिलेगा, ऐसा होता है भाई, ये होता है रियल लाइफ। दिमाग खराब हो गया यार, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक खड़ा होना खा के मैं निकला सिर्फ पेन लेने के लिए और यहाँ पे आने के बाद तू एक भी पेन नहीं मिल रहा तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ये सबसे दुखी बात है। पर हम लोग लेके जा रहे हैं मम्मी का चप्पल और एक 100 रुपए का बेल्ट ये नसीहे। ये तो गांव है, हम लोग बचपन में हम लोग डांस वांस करते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग इस रास्ता से हम लोग जाया हुआ करता था, पर अभी क्या उस टाइम पे इतना गंदा रास्ता है ना, ये पूरा जा भी नहीं सकता भाई, कसम से बोल ये पूरा जा भी नहीं सकता, इतना खराब है भाई। पर अभी देखो पूरा की पूरा हो गया हाईवे, हाईवे नहीं ठीक ठाक हो गया, और ऊपर से साइड साइड में जितना भी घर है ना पूरा हो गया पूरा डिबड़ा हो गया, पहले एक भी नहीं था यहाँ पे, जितना भी आप लोग घर देख रहे हैं ना एक भी घर नहीं था, पूरा की पूरा नंगा है ये सब। अभी पूरा देखो हर जगह घर ही घर, ऊपर से इतना बड़ा घर बना रहे डिबड़ा हो गया, और काफी दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं इस रास्ता में। यार ये आप एक देख रहे हैं ना ये वाला जो छोटा सा स्टेज वाला, यहाँ पे मैंने डांस किया था एक टाइम पे वो भी स्टेज विटे सब कुछ सब फाड़ दिया भाई टाइम पे मैंने यहाँ पे आकर डांस वांस किया, उसको फर्स्ट प्राइज भी मैंने लेके गया था यहाँ से और सबको बोला मैंने थैंक यू बोलते ही स्टेज विटे सब कुछ टूट गया यार, वो टाइम भी चला गया यार, कितना मस्त टाइम है उस टाइम, वो भी विंटर सीजन में पूरा सेम दिसंबर ऐसा टाइम में आया था हम लोग डांस करने के लिए, करीब पकड़ लो कौन सा ईयर में पता नहीं है, जो भी हो पाँच छः साल के बाद है पर मज़ा है उस टाइम पे भी एक तरह, वो जो तो पहले वाला जो तो वाइब है ना वो अभी नहीं, उस टाइम पे आके ड्रेस व्रेस पहन के इतना ठंड में काँप काँप के डांस कर रहे हैं मज़ा आ गया, और ऊपर से स्टेज भी टूट गया सोचो ना, इतना घटिया बनाया उन्होंने, पर खेल कोई बात नहीं उस टाइम का उस टाइम। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मेन रोड, The next day. और आज के दिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मम्मी लोग का गैंग यहाँ पे पिकनिक पार्टी बना रहे हैं और यहाँ वे ऐसे कैन सी कितना सारे लोग आके बना रहे हैं, ऊपर से कितना सब्जी है देखो, 1 2 3 4 5 सब्जी है भाई, ये देखो सब लोग मिलके खा रहे हैं अपना घर पे, और यही है भाई वो लोग का जिंदगी कुछ अलग ही जिंदगी है भाई। यहाँ पे मम्मी हो गया और सब लोग सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक वो लोग खा रहे हैं, दूर से देखो मज़ा आ गया। बाय बाय लोग हैप्पी न्यू ईयर आई उन्हें चलो तो ठीक है उनको भी खाने दो, मैं भी अभी पेट पूजा करके आता हूँ, ठीक है मिलते हैं। देवी और ससुर में दिन को खाना वाना खाने के बाद मेरा सो गया, सोते सोते क्या हो गया सीन मैं हम लोग को दिखाने वालों की पूरा की पूरा रात हो गया यार, ये देखो पूरा की पूरा रात हो गया, मैं सोचा कि यार कुछ तो करेगा यार आज ब्लॉग बनाएगा वो कहा थोड़ा बहुत घूम गए एक्सप्लोर करेगा वो करेगा, पर सो गया उठा बजा 5 बजे कच्चूला, कोई बात नहीं मैं आज का ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मन भी नहीं कर रहा क्योंकि लेट भी हो गया कुछ दिखाया नहीं का,
आप लोग को जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो दिखाने का कोई है ही नहीं, तो इस कारण की वजह से आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हुए ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज उनको कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग में आज के लिए। मुक्ता तो नया साल तो आ रहा है, कुछ कर रहे क्या आजकल? कुछ भी नहीं करता।